देखो जिहड़ा कल 100 साल मनाया गया वो सिर्फ एक पार्टी का होके रह गया। हालांकि एस जी पी सी पूरे सिख जगत की संस्था है, इत्थे सारियां जिहड़ियां ने पार्टियां सारियां पंथक जथेबंदियां नूं बुलाउणा चाहीदा सी, पर उन्होंने सिर्फ चुन चुन के जिहड़े उन्हां नूं नाल जुड़े हुए सी या जिहड़े उन्हां दे नेड़े सी या आपदी पार्टी उन्हां नूं उत्थे तक ही इह सीमित रहेगी। सो मैं समझदा ये इस महान संस्था का जिहड़ा दिन है इहदे नाल इन्हां ने एक अन्याय किया है सैलीब्रेशन दे विच। असी भी शुरू तो यही कह रहे हैं, साड़ी पार्टी श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक बनाने का मकसद भी यही है भी जिहड़ा मौजूदा जो प्रबंध है जो खास तौर पर अकाली दल बादल है उन्होंने अकाली दल के जिहड़े मूल सिद्धांत सी जो अकाली दल की सोच विचारधारा सी सारी त्यागती, सिर्फ एक व्यापारक अदारे वांगू अज श्रोमणी अकाली दल नूं चलाया जा रहा है, जिस करके जिहड़ा है सारे जिहड़े लोग सिद्धांतां नाल या जिहड़े पार्टी दा मन विच दुख रखदे ने वह सारे जिहड़े ने हौली हौली अड्ड हो रहे ने। सो इसे लई तुसीं देखोगे जिहड़े पुराने साडे आगू सी जिन्हां ने कुर्बानियां कीतियां उन्हां दे परिवार किन्ने किन्ने अज अकाली दल बादल दे नाल, ये तो सारा नवा जिहड़ा है एक कारपोरेट सिस्टम जिहड़ा सारा आ गया जिहदे नाल अकाली दल वाली गल ही नहीं रही, सिर्फ ना ही अकाली दल दा रह गया, बाकी तो जिहड़ी है एक निजी पार्टी खेतरी पार्टी बन के रह गई। सो ये जो बीबी जी ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये कोई कल्ला उन्हां दे नहीं, सारी लोग जिहड़े ने पूरी दुनिया विच जिथे सिख बैठे ने सिख सारे ये महसूस कर रहे हैं भी अकाली दल वो नहीं रहा। देखो गल यह है अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं गल्लां करनी चाहीदियां सीगियां, अज जो साडे दरपेश जो जिन्हां जिहड़ियां समस्यावां दे नाल असीं जूझ रहे हां जो एस जी पी सी जिन्हां दौर दे विचों लंघ रही है जो कमियां ने साडे विच ते इह तां सियासत वाले पासे पक्खे नूं पै गए, इहदी निरपक्ष चोणी कराउणी इह चोण इलैक्शन कमीशन दा कम है, इह जुडिशियल जिहड़ी है एक इलैक्शन कमीशन बणूगा उन्होंने वोटां बनाउणियां उन्होंने सारा कुछ करना है लोगों के सामने आ जूगा, अज ही जिहड़ा है प्रोसैस ते खदशे कदे करने क्यों क्योंकि वह चाहते हैं भी इलैक्शन हो गई ना भी ये पुरानी जिहड़ी चली जाए 10 साल तो जिहड़े जिहड़े 10 साल जिहड़े 5 साल बाद चोण होनी चाहीदी सी उहदे बारे क्यों नहीं गल कीती भी जी 10 साल तो काबज होए बैठे ने, इस गलते खदशे खड़े करन दी बजाए सानू तो कोई नहीं जिवें मर्जी हो जाण चोणां चाहे ईवीएम राही होण चाहे परचियां राही हो जाण बैलेट पेपर राही, पर गल है भी चोण होनी चाहीदी है। तो एस जी पी अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं कहना चाहीदा सीगा भी केंद्र सरकार चोणां करावे जे नहीं करा वह कहिंदे तां फिर स्पष्ट कहण भी जी नहीं होनी चाहीदी। सो ये गल्लां नूं सारियां गल्लां ही जिहड़ियां ने वह गोल मोल करके उन्हां नूं उत्थे पेश कीता गया, तो मैं तो कहना कितें ना कितें सिर्फ एक परिवार की बोली उत्थे बोली गई है। बिल्कुल साडा मकसद यही है कि चंगा नवा प्रबंध एस जी पी सी दिता जाए जिहड़ा सियासत तो दूर होवे जिहदा सियासत नाल कोई मतलब ना होवे ते जिहदे च कोई सियासी दखलअंदाजी ना होवे, तो ऐसे लोग अगे आउण जिन्हां दा सियासत नाल जिहड़ा कोई इंट्रस्ट ना होवे तां ही जिहड़ा एस जी पी सी दे विच सुधार किया जा सकता है, नहीं जो पिछले समय दे विच जो नकार आया है वह तो अज सारे दे सामने ही है किन्ने माड़े हालात हो गए। सर किसानां दे मुद्दे दी गल करिए तां किसानां दे मुद्दे नूं किस तरह देखदे हो, क्योंकि किसान लगातार जिहड़ा हैगा संघर्ष करन दे लगे होए ने, हुण उन्होंने 26 तरीक नूं जिहड़ा हैगा दिल्ली घेरन दा ऐलान कीता है। देखो बड़ियां जायज़ गल्लां किसानां ने दियां ने, हर किसी नूं आपदी गल कहण दा रखण दा अधिकार है लोकतंत्र दे विच, खास तौर पर वो लोग जिन्हां दा देश की तरक्की दे विच एडा वड्डा योगदान हो, मैं समझदा ये किसानी है जिन्हें देश की फौज दे विच रोल अदा किया, किसानी ने ही
देश नूं दा ढिड भरन विच रोल अदा कीता है अते देश दी आजादी विच वी जिहड़ा किसानी वर्ग दा बहुत वड्डा रोल है। सो उहनां दी गल सुनी जानी चाहीदी है, उहनां दी मंगां सारियां मनियां जानी चाहीदियां ने, यही जिहड़ा है देश दी तरक्की दा राह इत्थों ही खुल्लेगा। ते जे असीं छोटे दिल रख के फैसले करांगे या सिर्फ ईगो नूं रख के जे सरकारां फैसले करनगियां तां उहदे नाल जिहड़ा किसे दा भला नहीं होणा। सो असीं तां अपील करदे हां कि जिहड़ी 18 नूं मीटिंग है उहदे विच्चों जरूर केंद्र सरकार नूं कुछ ना कुछ सिट्टा कढ़ना चाहीदा तां कि जिहड़ी आ किसानी नूं रिलीफ मिले ते दुबारे जिहड़ा है पंजाब देश की तरक्की भागीदार बने। सर ट्रेना करके पंजाब दे विच की लगता थोड़ा भी नुकसान हो रहा है कि यूरिया की सब तो वधिया कणक दी ट्रेना नाल हर पक्ष तो ही नुकसान हो रहा है। सब तो पहला तो यूरिया की शॉर्टेज होगी, हुण कणक बीजी है तो जे यूरिया समय सिर ना पाया गया तो फसल का नुकसान होगा, वो नाल किसान का भी देश का भी नुकसान होंगे। फिर जिहड़ी फसल पैदा हो गई है साड़ी कणक है साढ़े पिछली पई है जिहड़ी या साडा जो चौल ने उन्हां नूं जिहड़ा है बाहर होर सूबियां 'च भेजना वह भी ट्रेना राही जाना उहदे 'च जिहड़ी है रोक लग गई। तो हुण जद साडी शैलिंग तो बाद नवीं जिहड़ी आऊगे चौल वह फिर उन्हां नूं लाउण लई जगह नहीं मिलनी उदों समस्या खड़ी होगी। तो तीजा जिहड़ा साडा जो व्यापार है वह भी उहदे 'च भी काफ़ी वड्डा रोल जिहड़ियां माल गड्डियां दा हुंदा। सो ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਪਾਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਹ 18 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ।